तो एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। अभी बजे दोपहर के 3:15 और हॉस्टल के रिसेप्शन पर ना इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग आए थे चेक इन करने के लिए क्योंकि 3 बजे चेक इन टाइम है हॉस्टल का, तो खूब सारे अंग्रेज खड़े थे लाइन में। और अभी सारी दुकानें खुली है क्योंकि यहाँ पे ना सारी चीज़ें जल्दी बंद हो जाती है टाइम से ही, मतलब 6, 7, 8 बजे मैक्सिमम दुकानें सब बंद हो जाती है। तो अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है तो सब कुछ खुला है। कल शाम को तो सब मेरे को बंद मिला था इस इलाके में। मेरे को दरअसल कंघी लेनी है, उस सुपरमार्केट में तो कंघी मिली थी, तो यहाँ देखता हूँ किसी दुकान पर कंघा मिल जाए। तो इस दुकान में रखे थे बाहर एक दो ब्रश से, ये है इनकी मार्केट सी। और ये देखो इधर भी है कि चिकन बस सी आने लग रही है, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था, ग्वाटेमाला, एल सेल्वाडोर, इवन होंडुरस में भी कुछ थी थोड़ी बहुत। बेसिकली सेंट्रल अमेरिका में इस तरह की बसेस दिखती है जिन्हें चिकन बस बोला जाता है, एक स्लैंग है चिकन बस। ये ना पहले अमेरिका के स्कूलों में बस होती थी, असली बस ये एक्चुअली अमेरिका से आई हुई है, किसी स्कूल में बस थी, स्कूल बस। फिर ये जब पुरानी हो जाती है तो इन्हें इधर सेंट्रल अमेरिका में आ जाती है और फिर इन्हें यूज़ किया जाता है एज अ मीन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आमतौर पर इन्हें काफ़ी सजा रखा होता है और तरह तरह की इन पर पेंटिंग बनाई होती है, और लोग इसमें अपने जानवर वगैरह भी कैरी करते हैं, इसलिए इन्हें बोल देते हैं चिकन बसेस। ये एक चाइनीज स्टोर है भाई साहब, देखो अंदर लोग भी सारे चाइनीज थे। ये एक और चाइनीज स्टोर, ये पूरी मार्केट ही चाइनीज लग रही है मेरे को तो। देखो चाइनीज लिखी हुई है सारी जगह। एक और रेस्टोरान थे क्वांग चाओ। रोड क्रॉस करके उधर चलते हैं। तो पनामा में ना इंडिजिनस ट्राइब्स रहते थे आगे अंटिल 16th century, क्योंकि तब फिर स्पेनिश कॉलोनिस्ट आ गए थे और उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया था पनामा को। 1821 में फिर इन्हें स्पेनिश कॉलोनाइजर से छुटकारा मिला और उसके बाद इन्होंने ज्वाइन कर लिया था द रिपब्लिक ऑफ ग्रैन कोलंबिया, जिसमें थे नुएवा ग्रनाडा, जिसे आप मॉडर्न डे कोलंबिया कह सकते हो, विद सम पोर्शंस ऑफ कोस्टा रिका, पेरू, ब्राजील, इसके अलावा इक्वाडोर और वेनेजुएला। इसके डिसॉल्व होने के बाद फिर पनामा ने ज्वाइन कर लिया था द रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया, और फाइनली 1903 में द रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया से पनामा अलग हुआ और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। पनामा का टाइम जोन है UTC-5, यानी कि इंडिया से 10.5 घंटे पीछे है ये, यानी कि इंडिया में दोपहर के 12 बजे है तो यहाँ पे पिछली रात के मतलब 1:30 बजे होंगे, काफ़ी डिफरेंस है। और पनामा एक टैक्स हेवन है, यानी कि मोस्टली चीज़ों पे यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता, और ना टैक्स की छूट की वजह से ही सरकार यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाती कि भी कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, किस में किस चीज़ में कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो दुनिया के काफ़ी बड़े बड़े पावरफुल लोग, पैसे वाले लोग इधर पनामा में कुछ शेल कंपनीज हैं उनमें अपना पैसा डालते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या फिर टैक्स बचाने के लिए या फॉर व्हाटएवर रीजंस। काफ़ी नाम पीछे सिखाके भी आए थे, जिसमें अपने इंडिया के अमिताभ बच्चन का भी नाम था, रशिया के व्लादिमीर पुतिन के सारे दोस्तों का नाम था, मोस्टली दोस्तों का, और काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों के ऐसे नाम थे ताकि वो पैसा अपना टैक्स से बचा सके। आप पढ़ सकते हो गूगल करोगे तो, द पनामा पेपर्स ऑफ शेल कंपनीज, ऐसे कुछ करोगे तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। एक कोई विसल ब्लोअर थे, उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर करी थी, और जर्मनी के एक न्यूज़पेपर में लगभग 2 TB से ज़्यादा की फाइल्स थी जो एक आदमी ने लीक करी लोग दुनिया को बताने के लिए कि भी कैसे लोग पैसे से खिलवाड़ कर रहे हैं। और फिर बाद में एक जर्मन न्यूज़पेपर में इसके ऊपर सारी चीज एक्सपोज करा गया था। Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. पनामा का जो कल्चर है ना बेसिकली वो एक हाइब्रिड है, यूरोपियन कल्चर जो कि स्पेनिश लोग यहाँ पे लाए थे, उसके अलावा थोड़ा सा अफ्रीकन कल्चर और अमेरिकन कल्चर, इन सबको मिला के एक हाइब्रिड कल्चर है यहाँ पे। और हालांकि यहाँ पे ब्लैक सी पॉपुलेशन शायद 9% है सिर्फ, पर इधर पनामा सिटी में ज़्यादातर तो नहीं, पर यूँ लगता है कि भी 30-40% होंगे ब्लैक्स, मेरे ख्याल से इधर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और पनामा का ना नेशनल स्पोर्ट है बेसबॉल, जी हाँ, सबसे पॉपुलर स्पोर्ट और नेशनल स्पोर्ट बेसबॉल है US की इन्फ्लुएंस की वजह से, और मेरे ख्याल से गिनी चुनी कोई ऐसी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होंगी जिधर फुटबॉल सबसे पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है, उनमें से एक पनामा है। यहाँ पे है पॉपुलर पर बेसबॉल जितना नहीं है। तो यहाँ की करेंसी है बेसिकली US डॉलर या फिर पनामानियन बेलबोआ, जो कि एक US डॉलर के बराबर ही होता है, वो भी यहाँ की जो बेलबोआ करेंसी है, चाहे डॉलर दे लो चाहे वो दे लो, उनकी बराबर है, एक US डॉलर इज इक्वल टू एक पनामानियन बेलबोआ।
पनामा के जंगलों के बारे में बात करें तो शायद आपने सुना ही होगा, यहाँ के जंगल मशहूर है। एंड दे आर द होम टू एन अबंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मोस्ट ऑफ देम फाउंड नोवेयर ऑन अर्थ। काफी ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो सिर्फ यहाँ के नेटिव है और कहीं और नहीं पाए जाते पनामा के जंगलों के अलावा। और पनामा का नाम आते ही आपने ऑब्वियसली पनामा कैनाल के बारे में भी सुना होगा। पनामा कैनाल बेसिकली एक 82 किलोमीटर का वाटरवे है जो कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। यहीं ये साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को भी कनेक्ट करता है। यहाँ पे अभी भी इस तरह के टेलीफोन्स अपने इंडिया में तो नहीं दिखती है, एसटीडी और पीसीओ वगैरह पहले जो होती थी, यहाँ पे मैंने देखा काफी जगह सेंट्रल अमेरिका में। Cree en tu fuerza, paloma linda, el cielo te va a cuidar. Cuando no salga el sol, mi paloma. मेरे को कंघी लेनी है तो इस दुकान में चल के देखते हैं। भाई सारा कॉस्मेटिक है तो मिल जानी चाहिए। आज अपन एक्सप्लोर करेंगे पनामा कैनाल, उधर जाएंगे अपन। उससे पहले मेरे पास कुछ कपड़े हैं मेरे मेले, वो मैं लॉन्ड्री के लिए देना चाह रहा हूँ और मैं एक लॉन्ड्री ढूंढने लग रहा हूँ। ये पास में है तो एक जो मेरे को हॉस्टल में बताई थी, तो मैं पहुँच ही गया उधर ऑलमोस्ट। कास्को वीएहो नाम है इस जगह का और पास में ही बीच है सर्फिंग वगैरह करने के लिए, सेंटर से थोड़ा दूर है। ये मेरी लॉन्ड्री की आ गई, लवेंद्रिया बोनीता। लॉन्ड्री वॉश एंड ड्राई, लॉन्ड्री के लिए कपड़े तो दे दिए। अभी दोपहर के 1 बजे है और मैं पनामा कैनाल जाऊंगा जो यहाँ से 1.5 घंटा दूर है और 1.5 घंटा ही वापस आने का, तो 3 घंटे तो जाने आने के ही हो गए। लेकिन मेरे को 5 बजे तक वापस आना है क्योंकि कपड़े इसने कहा 5 बजे वापस ले जाना। बोल रहा था कल ले लेना, मैं बोला कल तो मेरी फ्लाइट है सुबह, तो फिर बाद में बोला कि भी शाम को आ जाना 5 बजे। मैंने इससे भी पूछा कि दुकान बंद कब होती है, दुकान बंद होती है इसकी 6:30 बजे। चाइनीज था ये आदमी भी, इस इलाके में सारे चाइनीज है जिनकी भी दुकान है। अब बाई चांस मैं 6:30 बजे नहीं आया तो मेरे कपड़े यहीं रह जाएंगे सारे, क्योंकि कल सुबह सुबह तो मेरी फ्लाइट है ही बारबाडोस की। खाना मैंने खा लिया हॉस्टल में, मैं यूजुअली ट्रैवल करते टाइम मैं ये काफ़ी खाता हूँ, राइस केक ले लिया स्टोर से। बेसिकली बफ्ड राइस ही होते हैं चावल ही, उसके ऊपर पीनट बटर या आलमंड बटर रख के आए हाय इतना स्वादिष्ट लगता है ना, और हेल्दी भी है काफ़ी। और नेचुरल पीनट बटर या आलमंड बटर लो और नेचुरली राइस केक्स लो, फालतू की चीज़ें जिसमें ऐड ना हो। पनामा कैनाल जाना बेसिकली बहुत आसान है मेरे हॉस्टल से, जाना हो तो टैक्सी मिलती है $5 के अंदर। दूसरा तरीका ये है लोकल बस स्टैंड पे जाओ, कार्ड में रिचार्ज कराओ, बस लो, दूसरी जगह पहुंचो, उधर से फिर पैदल चलो या एक और टैक्सी लो या जो भी, मतलब धक्के खाने वाली बात है, पैसे उसमें भी उतने ही लगेंगे, पर लोकल एक्सपीरियंस अपने को बस में मिलेगा, तो इसलिए मैं बस ही लूँगा चल के स्टेशन पर। कार्ड मैंने ले लिया था, आपने पहली वीडियो में देखा होगा पनामा की, और वो रिचार्ज कराऊंगा फिर बस लेके पहुंचूंगा, देखते हैं जो भी सफ़र होता है। करीब 1 किलोमीटर की वॉक है यहाँ से स्टेशन सिंको दे मायो की। Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. दोपहर के 2 बजे और इतनी भयंकर गर्मी है, जनवरी का महीना है मैं आपको बता दूं। 10 मिनट हुई है मेरे को चलते और टी शर्ट मेरी पसीने से भर चुकी है। पीछे वो जो आप बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, मेरे ख्याल से यही शायद इनकी स्काई लाइन जो है यही है, क्योंकि जब मैं प्लेन से उतर रहा था ना, प्लेन में एक बार मेरे को तो पहले बड़ी बिल्डिंग्स दिखी, मेरे को लगा पूरी सिटी ऐसी है मानो कि सिंगापुर हो, पर एक्चुअली पनामा तो रेन फॉरेस्ट के लिए माना जाता है अपने, तरह तरह के एनिमल्स की स्पीशीज, प्लांट्स की स्पीशीज और इनके जंगल और पनामा कैनाल। पर जब नीचे आया प्लेन लैंड हुआ तब देखा कि भी हाँ एक्चुअली में फॉरेस्ट ही है सारे। ये देखो कितने बड़े बड़े एवोकाडो, कितने बड़े बड़े एवोकाडो भाई। आज से 4 साल पहले कॉलेज से पास आउट होते ही मैंने कोई जॉब करने की जगह ट्रैवलिंग करनी स्टार्ट कर दी और इसे ही अपना फुल टाइम बिजनेस बना दिया। और फिलहाल 2023 में मैं 6 कॉन्टिनेंट्स और 70 से ज्यादा कंट्रीज में घूम और रह चुका हूँ। घर से बिना कोई पैसे लिए किसी देश में जाके मैंने एक्टिव वोल्केनो हाइक किया, तो किसी देश में जाके सर्फिंग सीखी, किसी देश में मैंने वॉलंटियर करके बच्चों को पढ़ाया, तो किसी जगह खुद क्लासेस लेके वहाँ की लैंग्वेज सीखी। मैंने दुनिया के सबसे एक्सट्रीम वॉर जोन से लेके वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव प्लेसेस और दुनिया की बेस्ट पार्टी सिटी से लेके चीपेस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और मोस्ट विजिटेड टू लीस्ट विजिटेड कंट्रीज
सब देखा। इन्हीं ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को जीने मेरा खर्चा भी काफी हुआ, लेकिन अपनी इस ऑनलाइन ट्रैवल ब्रांड से ही मैंने 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम भी करी। और इसीलिए अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हाउ कैन यू बी गेटिंग पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड। वो सभी सवाल जो आप लोगों के मन में होते हैं, आप मुझसे पूछते हो कि ट्रैवल करके इनकम कैसे करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बने, या बिना सोशल मीडिया का यूज करे ट्रैवल से पैसे कैसे कमाए, सोशल मीडिया से कैसे और एग्जैक्टली कितनी इनकम होती है, ट्रैवल के टाइम दोस्त कैसे बनाए, प्लेटफॉर्म रेवेन्यू क्या और कितना होता है, ब्रांड डील्स या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डेस्टिनेशन मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ब्रांड क्रिएशन, गेटिंग पेड इंटर्नशिप्स अब्रॉड, जैसे सभी ट्रैवल से रिलेटेड टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर करा अपने कोर्स हाउ टू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड में। ये सिर्फ 1.5 घंटे का कोर्स आपको ट्रैवल और बिजनेस से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा जो शायद आप सारी उम्र इंटरनेट स्क्रॉल करके ना ले पाए, और जिससे आप भी मेरी तरह दुनिया घूम के अपनी ड्रीम लाइफ जी सके और उसी से पैसे कमा सके। कोर्स मैंने ऑलरेडी मेरी वेबसाइट passengerparamvi.com पे अपलोड कर दिया और आप वहां जाकर एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये देखो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम होती थी, उस पर डिजिसेल लिखा होता था ना, ये एक डिजिसेल मोबाइल की कंपनी है जो मोस्टली इधर कैरिबियन कंट्रीज में या इधर पनामा और कोस्टारिका वगैरह में है। ये आ गया भाई इनका मेट्रो स्टेशन, इधर से अपन कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं। मेरे पास जो मेट्रो कार्ड है उसमें बैलेंस नहीं है, लेकिन वो रिचार्ज करके फिर बस ढूंढेंगे दूसरे स्टेशन से। कार्ड तो मैंने रिचार्ज करा लिया, एक पनामा नियन बेलबोआ का यानी कि $1 का, और एक बस राइड के है, एक मेट्रो राइड के 25 सेंट कटते हैं, यानी कि वही इंडिया के 30 रुपये लगा लो। लेकिन मेट्रो नहीं लेनी मेरे को, अब दूसरी जगह जाना है बस लेने के लिए जो कि काफ़ी दूर है, उसके लिए मैंने फिर ऊबर करा ली। तो ऊबर मेरी नज़दीक आने लग रही है, ऊबर हुई है ऑलमोस्ट $3 की, $3 ऊबर के और $1 का रिचार्ज। ऑलरेडी मैं $4 तो खर्च कर ही चुका और आगे भी टाइम वेस्ट अलग से, लेकिन ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता अपने को। हम किसी देश में घूमने आए हैं तो मेट्रो की बिल्डिंग्स और बसेस और टैक्सीज ये तो अंदर से सारी सेम होती है, किसी भी देश में कर लो। होला बुएनोस मुस्कुलोस, नाइस मसल्स जिम, या हाउ मच डू यू वे, बॉडी वेट पाउंड्स, क्वांटोस पाउंड्स ओ किलोग्राम्स, टू नो पे पेचो बेंच प्रेस क्वांटोस 315 libras. Oh, wow. Bueno. Los 3 discos de 45. Oh, wow. Cree en tu fuerza, paloma linda. El cielo te va a cuidar. Cuando no salga el sol, mi palo. तो ऊबर ने तो उतार दिया इस मॉल में, ये मॉल की लोकेशन थी जिधर मैं कल रात को जिम भी आया था। मैं जिस भी आदमी से पूछ रहा हूँ ना बस लेनी है, बस कहाँ से मिलेगी, सारे बोल रहे बस क्यों लेनी है, ऊबर ले लो, सेम रेट है, सस्ते में पहुंच जाओगे। मेरे ऊबर वाला ही बोला कि बस मतलब ऊबर ही ले लेना। मैंने मॉल में 3 लोगों से पूछा, 3 अलग अलग लड़कियाँ, तीनों बोली ऊबर लो बस क्यों लेनी है। मैं बोला मेरे को लोकल एक्सपीरियंस चाहिए, बस लेनी है मेरे को। तो किसी ने समझाया था उधर जाके देखो कहीं टर्मिनल है, मॉल में ही 7-8 मिनट की वॉक है शायद। इस मॉल का नाम है एलब्रुक मॉल, यहाँ बाकी सारी चीज़ें बहुत जल्दी बंद हो जाती है पनामा में, मैंने नोटिस किया है 6-7-8 बजे तक सब बंद। इधर एक भाई से पूछा, बोला मेरे को तो पता नहीं, एक आदमी होगा टोपी पहरे उससे पूछ के देखना। एग्जिट आ गई है तो सालीदा, ये रहा कह रहा था चॉकलेट कलर के कपड़े पहन रखे उसने, ये आदमी है। इधर खड़ी है तरह तरह की बस, इनमें से ही कोई जाती होगी उधर। ये ना मेरे पीछे तो मोलर रोड की परली साइड ये बस टर्मिनल सा स्टार्ट हो गया पूरा, इधर तरह तरह की बसेस लगी हुई है वो देखो आगे। और इधर भाई ये लॉटरी बेचने लग रहे हैं बस, इसके बाद ये बस चढ़ने लग रही है, पूछता हूँ अब मेरे को रूट नंबर भी तो नहीं पता। तो मैंने गार्ड से पूछा था भी, वो बोल रहे लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट में जाके चाहे रोड ख़त्म हो रही हो। अभी इधर एक ये गार्ड खड़े इनसे और पूछता हूँ, इस वाले गार्ड से मैंने पूछा स्पेनिश में, बोले इंग्लिश में, यू सी दोस गर्ल्स ओवर देयर, दे आर वेटिंग फॉर द सेम बस, यू कैन गो देयर। कमाल हो गया। तो ये जो लड़कियाँ खड़ी है ना, मेरे को भी इधर ही इसी बस में चढ़ना है, आ रही होगी शायद। De tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. बैठ गए भाई फाइनली बस में अपन। चिकन बस तो नहीं है, नॉर्मल वही बस है जिस तरह अपने दिल्ली में DTC टाइप होती है उस तरह की। तो चलो कोई नहीं, इस बार ने सफर का मजा उठाएंगे एक बस से और लोकल लोगों के साथ। वो है ला पालोम।
toma bien alto mi vida. No dudes que siempre amanece, ya amanecerá. ये वाला इलाका तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है मानो अमेरिका, ये वाला इलाका स्पेशली अमेरिका तो नहीं पर पता नहीं, सेंट्रल अमेरिका नहीं लग रहा बस। मेरे ख्याल से यहाँ पे टिकट लेके फिर अंदर घुसना है। इधर टिकट से आपको रेट दिखाता हूँ। नॉन रेजिडेंट $17 भाई, कितने 1500 रुपये। इधर के लोकल के लिए $3। तो ये आ गई भाई टिकट मेरी, $17 यानी कि ऑलमोस्ट इंडिया की 1500 रुपये, 1400-1450 रुपये की टिकट थी। तो मेरे को भी बोला इन्होंने शायद चौथे फ्लोर पे जाने के लिए। ये जो $17 की टिकट है इसमें इंक्लूडेड है ये आईमैक्स पता नहीं क्या ये, और विजिटर सेंटर इंक्लूडेड है, और उसमें पनामा कैनाल भी देख सकते हैं। अभी हम ना एक दूसरी प्रोविंस में आ गए, ये मीरा फ्लोरेस लेक पार करती है, ये पनामा एस्ते प्रोविंस है। पनामा प्रोविंस थोड़ी सी उधर है कुछ मीटर। तो जैसे ही कोई कार्गो शिप समुद्र से कनाल के नजदीक आती है तो कुछ छोटी टग बोट्स आती है और रस्से से कार्गो शिप को टो करके डायरेक्शन देती है कनाल के लॉक्स की एंट्रेंस की तरफ। छोटी टग बोट्स शिप को स्टेबल रखती है इस पूरे प्रोसेस में। और अब जान लेते हैं कि इस कनाल को क्रॉस करने का मैकेनिज्म क्या है। अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन अटलांटिक ओशियन के सी लेवल से थोड़ा ऊंचा है, और इसी वजह से दोनों ओशियंस के बीच के पहाड़ को खोदने की जगह या उनका लेवल बराबर करने की जगह एक आर्टिफिशियल लेक बनाएगी जिसका नाम है गातून लेक। ये लेक सी लेवल से 85 फीट या 26 मीटर ऊंची है, यानी किसी ओशियन से शिप को इस लेक पे पहुंचाने के लिए 85 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाना जरूरी था, और इसी काम के लिए लॉक्स का इस्तेमाल हुआ जिन्हें वाटर स्टेयर्स भी कहा जाता है। शिप जब पहले स्टेयर या लॉक के करीब पहुंचती है तो लॉक के अंदर के पानी को सी लेवल से मैच करने के लिए ड्रेन किया जाता है। जब पहले लॉक का लेवल समुद्र के लेवल जितना हो जाता है तो लॉक को खोल दिया जाता है और शिप पहले लॉक के अंदर चली जाती है। इसी टाइम छोटी टो बोट शिप को स्टेबल भी रखती है। उसके बाद पहला लॉक दोबारा बंद किया जाता है और सेकंड स्टेयर का पानी फर्स्ट स्टेयर में डाला जाता है लेवल को रेज करने के लिए। जब ये पानी बराबर हो जाता है तो लॉक खोल दिया जाता है। ऐसे ही दूसरे लॉक या स्टेयर से फिर जब गातून लेक के बराबर लेवल हो जाता है तो तीसरा लॉक खुल जाता है। लगभग 30 किलोमीटर चौड़ी लेक पार करने के बाद दोबारा लॉक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, और जैसे शिप्स को ऊपर किया जाता है उसी तरह नीचे करके दूसरे ओशियन के लेवल में पहुंचाया जाता है। तो आपने देखा कैसे, मतलब ये जो पैसेज था कितना नैरो था और शिप भी उतनी चौड़ी थी, और कितनी ध्यान से, मतलब थोड़ा सा भी साइड में भिड़ दे शिप तो कितना नुकसान हो जाए शिप का, लेकिन फिर भी उसमें से बीचों बीच कैसे गुजर रही थी। काफ़ी एडवांस है। और इसके जो गेट है ना, ये गेट ओरिजिनल गेट्स 1914 में बनाए गए थे पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में, अभी तक वही गेट्स है जो ये पैसेज खोलने और बंद करने के लिए जो गेट्स ओपन या क्लोज होते हैं। तो पनामा कैनाल के बारे में आपको बता दूँ कि पनामा कैनाल एक्चुअली एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कि अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। 82 किलोमीटर लंबा वाटरवे है और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट्स को भी डिवाइड करता है। पनामा कैनाल के जो टोल्स कलेक्ट करती है ना इनकी सरकार, वो इनकी जीडीपी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। मतलब इतने ज़्यादा टोल्स कलेक्ट होते हैं पनामा कैनाल, मतलब इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है पनामा कैनाल के टोल्स का। ये जो शिप पीछे क्रॉस करी थी ना अभी सीख, जो थोड़ी देर पहले की थी, शायद मलेशिया की शिप थी, मलेशिया का झंडा लगा होता, तो इनसे टोल्स ले लेके इनकी जीडीपी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा कॉमर्स, बैंकिंग और टूरिज्म भी बाकी ग्रोइंग सेक्टर्स है। ये एक नई शिप आ गई भाई, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई आती रहती है और गेट्स लॉक और अनलॉक होते रहते हैं, पर बहुत ज्यादा भीड़ है तो मेरा मन नहीं आया और रुकने का। जब मैं आया तब तो खाली था, और अभी देखो एक घंटे के अंदर कितनी भीड़ होगी, लाइन लगी। ये मेरे ख्याल एक साथ आई होंगी या तो कई सारी बसेस, कितनी भीड़ होगी एकदम ही। कोई भी नहीं था जब मैं आया। ओ भाई रे, ये देखो भीड़ तो बढ़ती जा रही है, कम से कम भाई 1000 लोग होंगे लाइन में लगे हुए। और जब मैं गया तब एक सिंगल आदमी नहीं था एक घंटे पहले ही। Gracias por su visita. Thanks for visiting. बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मेरे को ना इतनी ज़्यादा भीड़ वाली इतनी ज़्यादा टूरिस्ट की जगह पसंद नहीं।
ये क्या IMAX थिएटर है यहाँ पे। ये मूवी भाई इंक्लूडेड है टिकट में और 45 मिनट की मूवी और 4 बजे अगला शो है यानी कि अभी से 4 मिनट बाद। मैं कन्फ्यूज्ड हूँ देखूँ या ना देखूँ क्योंकि मेरे को शहर भी पहुँचना है, लॉन्ड्री से कपड़े उठाने, दुकान बंद हो जाएगी वरना। चलो देख ही लेते हैं यार। पानी ले लिया मैंने और चलो अंदर। तो पिक्चर 3D में इन्होंने दे दिए चश्मे। चलो भाई। Is today a wonder of the world, a human triumph, and one of the great stories of all time. तो फिल्म देख ली 40 मिनट की थी, बढ़िया थी, मतलब इंटरेस्टिंग थी। बाहर निकलते मैंने इधर से दो मैग्नेट ले ली, $10 की दो मैग्नेट, $5 की एक, जो कि मैं हर देश से कलेक्ट करता ही हूँ, यानी कि कितने 450-450 की एक थी। तो मैंने मैग्नेट ली ना, तो वो लड़की थी काउंटर पे, वो मेरे को कह रही थी कि भाई इंडियन जैसे आते नहीं, इंडिया तो बहुत दूर है, कहाँ से हो तुम, मैंने बताया जब, तो बोली कि मैंने सिर्फ 2 बार पहले देखे हैं इंडियंस को इधर, पर वो फैमिलीज में आते हैं और वो यूजुअली US में रहते हैं। बोली तुम, मैंने पहली बार कोई ऐसा इंडियन देखा है अकेला खुद से आया वो यहाँ पे घूमने। फिर मैंने बताया कि भाई हमारे इतना कल्चर है नहीं ट्रैवलिंग का और वैसे भी कितनी दूर है। नीचे निकलते टाइम ये जो सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने मेरा गेट खोला, इनसे मेरी बात, इन्होंने ही पूछा कहाँ से हो, मैं बोला इंडिया से। फिर इनसे मेरी बात हुई काफ़ी देर, ये मेरे को बोले नमस्ते धन्यवाद। फिर मैंने पूछा आपको कैसे पता, इन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है इंडियंस की, स्पेशली गुजराती या और मराठी लोगों की, पर ये बोल रहे थे कि सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। फिर मैंने इन्हें बोला कि हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएँ हैं, तो बोले इन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे जितने भी बड़े स्टोर्स हैं ना, जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, ड्रायर्स, सेल फोन्स, ये सारे स्टोर्स इंडियंस ओन करते हैं। मैं बोला कि मैंने तो चाइनीज़ लोगों की दुकानें देखी यहाँ पे मोस्टली, तो इन्होंने बताया कि छोटे मोटे सामान की जितनी भी दुकानें हैं ना, फ़ोन का कवर और घर का छोटा मोटा सामान, ये सारी चीज़ें, हथौड़े, कील, हार्डवेयर और इस तरह के जो छोटी मोटी चीज़ें सारी घर की, ये बेचते हैं चाइनीज़ लोग, और बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे बेचते हैं इंडियंस। तो अब अंदर जो मूवी दिखाई थी IMAX में पनामा कैनाल के ऊपर, उसकी मैं आपको एक ब्रीफ कंक्लूजन सी बता देता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे को भी नहीं पता थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मूवी। दरअसल पहले एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे शायद, वो इस आइडिया के साथ आए थे कि मतलब ये दो बड़े ओशियंस थे, दुनिया के सबसे बड़े ओशियंस, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, इनको जोड़ा कैसे जाए, शिप्स को ना पूरा घूम के जाना पड़ता था साउथ अमेरिका के नीचे से होके, तो काफ़ी दिक्कत आती थी, काफ़ी टाइम वेस्ट होता था और काफ़ी रिसोर्सेज वेस्ट होती थी। तो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि बीच में मैं पैसेज बना दूँ। उन्होंने पहले इजिप्ट में भी ऐसा कुछ बनाया था, पर इजिप्ट में एक्चुअली डेजर्ट्स और सूखा इलाका है, यहाँ पे सारा रेन फॉरेस्ट है और बेसिकली पानी के ऊपर है, तो इतना आसान होने नहीं वाला था। तो 9 सालों तक काम चला, फ्रेंच लोग आए, उन्होंने 9 साल तक काम किया, लेकिन मौतें होती गई लोगों की। एक तो इतनी हार्श कंडीशंस में काम करना, ऊपर से मलेरिया और येलो फीवर, जिसका कॉज उस टाइम पता भी नहीं था कि भाई ये क्या बीमारी है जो होने लग रही है। 20,000 लोग मरे 9 सालों में और फाइनली फ्रेंच ने गिव अप कर दिया। फ्रेंच के बाद लेकिन जब अमेरिका की मदद ली गई, तो अमेरिका के एक डॉक्टर ने रियलाइज़ करा कि ये जो मौतें होने लग रही है ना, ये एक्चुअली येलो फीवर और मलेरिया की वजह से हो रही है। लेकिन पहले लोग मानते थे कि ना कोई जहरीले वेपर्स है जो पत्ते पे जो पानी सा होता है, उन्हें सोचते थे उनमें कोई जहर होता है, उस वजह से हो रही है ये बीमारियाँ। पर बाद में रियलाइज़ किया गया और फिर इनके इलाज निकाले गए, तो फिर लोगों की मौतें काफ़ी कम होगी और फाइनली अमेरिका की मदद से ये प्रोजेक्ट पूरा किया गया। 1914 में पहली शिप पास हुई, लेकिन जिस दिन शिप पास हुई थी वो काफ़ी अननोटिस्ड चला गया पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उसी दिन World War I शुरू हो गया। अब पनामा कैनाल पे लगभग 10,000 लोग काम करते हैं, और अच्छी बात यह है कि जितनी भी टर्बाइंस और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे चलती है, सारी जो भी एनर्जी बनती है वो वाटर से यहीं के यहीं प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पे पास में ही एक डैम है, तो सारी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करके पूरा जो सिस्टम है ना, पूरी इसकी मैनेजमेंट उसी एनर्जी पे रिलाई करता है। पनामा कैनाल ना अमेरिकन्स के कंट्रोल में ही थी, लेकिन फाइनली 1977 में पनामा कंट्री को पनामा कैनाल का पूरा कंट्रोल दे दिया गया। और शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाएगी, कि पनामा इतना बड़ा तो कोई ऐसा देश है नहीं, ये इसे संभाल नहीं पाएगा इतने बड़े प्रोजेक्ट को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया और पनामा कैनाल से जो इनकम जनरेट हो रही थी वो 5 गुना तक बढ़ गई बाद में। हर साल पनामा कैनाल से 300 मिलियन टन ऑफ कॉमर्स मूव करता है, और इसमें हर चीज़ है बेसिकली, जो भी आप सोच सकते हो, गाड़ियाँ, फर्नीचर, खाना, अपने घरों की चीज़ें, हर चीज़ जो भी आप सोच सकते हो, प्राइमरीली तो कमर्शियल चीज़ें ही मूव करती है। उसके अलावा बड़ी बड़ी मल्टी मिलियन एयर्स की क्रूज शिप्स वगैरह भी इस कनाल के थ्रू पास करती है। तो पनामा कैनाल बंद तो गई थी, लेकिन जो मॉडर्न शिप्स है ना वो काफ़ी बड़ी है पहले वाली शिप से, मतलब ऑलमोस्ट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट जितनी लंबाई की शिप्स आने लगी आजकल। और ताकि पनामा कैनाल को ये और कम्पिटिटिव रख सके, इसलिए इन्हें पैसेज थोड़ा बड़ा बनाने की जरूरत थी। तो फाइनली बहुत सारी रिसर्च के बाद 2007 में इन्होंने अर्थ को तोड़ना स्टार्ट करा, साइड से अर्थ के पार्ट को, और पैसेज को चौड़ा किया। ऊपर $5 दिखा रहा था, लेकिन मैं वीडियो बनाने लग गया तो भी एकदम से सर्च लग गया होगा यहाँ पे, और अब $5 से $15 हो गए भाई।
फंस गए निकल ही लेता इससे बढ़िया तो 5 मिनट पहले। मैं खुद कोई टैक्सी बस का इंतजार कर रहा हूँ, दौड़ते आई मेरे से पूछने, स्पेनिश में पूछने लगी बस कहाँ से मिलेगी। मैं बोला मैं खुद दुखी हो रहा हूँ, मैं खुद टूरिस्ट हूँ और मेरे से स्पेनिश में बोल रही जैसे मैं आगा लोकल आदमी हूँ कोई। कार्लोस ओके होला के ताल कई देर इंतजार करा मैंने, उसके बाद फाइनली आया। कोई टैक्सी थी नहीं, सारे लोग मतलब जाने लग रहे थे और कुछ बचा ही नहीं था। ये हम दोबारा वापस पनामा प्रोविंस में एंटर करके, वो पनामा एस्ते है और दोबारा पनामा प्रोविंस में आ गए। इस मूवी से ही पता चला कि पनामा सेंट्रल अमेरिका की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन लैटिन अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ और साउथ अमेरिका को ये कनेक्ट करता है। तो सारे जितने भी ट्रेड बिजनेसेस वगैरह है, वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देख रहे थे, वो सारी इस वजह से पनामा में ही लोकेटेड है। वैसे तो गाड़ी जाना था वहाँ घूम के आना था, लेकिन मैं पहले उतर गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हर जगह, आगे और भी ट्रैफिक था। मुझे कल सुबह 6 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है और अभी बाई चांस लॉन्ड्री वाली दुकान बंद होगी ना, होने ही वाली है, तो मेरे कपड़े गए क्योंकि सुबह तो खुलेगी नहीं और दुकान बंद होगी तो कपड़े गए मेरे, इसलिए मैं उतर के भागता हूँ अभी सीधा दुकान की तरफ। बच गया भाई रे, खुली है दुकान। 5:30 बजे ही कही थी इसने मुझे और 6:30 बजे बंद करते हैं और 6 बजे से ऊपर हो लिया और इधर कोई भरोसा नहीं लोगों का कब बंद कर दे। ये फाइनली कपड़े मिल गए मेरे को मेरे, जो ये वॉश एंड ड्राई दोनों चीज़ होगी थी $8 में, तो 500-550 रुपये में दोनों चीज़ होगी, सस्ता है उस हिसाब से तो यार। किलो के हिसाब का कोई रेट नहीं था, एक बारी में जितने दो उतने ही, तो सही है। अब वीडियो को मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ ढंग से, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं कुछ खाऊंगा, फिर उसके बाद जिम जाऊंगा और कल सुबह मैं जाऊंगा बारबाडोस, तो कल सुबह नई वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अभी मेरे को दो इजाज़त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी का दिन अच्छा हो। गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।